आई एम सॉरी मुझे इंटरव्यू से देर हो गई. सॉरी कर दिया ना, अब बैठ जाओ. देखो सब लोग देख रहे हैं, प्लीज बैठो ना. तुम्हें पता है पिछले एक घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. तुम कम से कम कोई मोबाइल क्यों नहीं खरीद लेते ताकि हम लोग रास्ते में रह सके. ले लूंगा ले लूंगा, पहले जॉब तो लग जाने दो. एनीवे तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हो? वही जो पिछले दो सालों से हो रहा है, कहीं रिश्वत आड़े आ जाती है, कहीं सिफारिश. और मजे की बात, कहीं कहीं तो मेरी तालीम मेरी रखी बन जाती है. कहते हैं कि जॉब के लिए इंटर हो या ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट. आप तो मास्टर्स हैं कि जॉब आपको नहीं मिल सकती. फिजान, फिजान तुम आखिर अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? आखिर कौन सी क्यामत आ जाएगी अगर तुम एक बार पापा से मिल लोगे? मैं उनसे बात करूंगी, उनका एक फोन कॉल ना तुम्हें कोई भी बड़ा ओहदा दिलवा सकता है. फिजान मुझे इस तरह तुम्हारा बसों में धक्के खाना अच्छा नहीं लगता. माहा प्लीज प्लीज, मैं ये नहीं कर सकता. तुम वो बात मत किया करो जो मैं नहीं कर सकता. क्यों क्यों आखिर इसमें बुराई क्या है? है बुराई. तुम क्या चाहती हो कि जिंदगी भर ये एहसास मेरे जमीर को सताता रहे कि जिस आला मकाम तक आज मैं पहुंचा हूं वो मेरी काबिलियत के बल पर नहीं बल्कि तुम्हारे ब्यूरोक्रेट वालिद की एक टेलीफोन कॉल की मरूने मेहनत. नाराज हो गए? ओके ठीक है, अब मैं ये बात कभी नहीं करूंगी. ठीक, प्लीज प्लीज चेयर अप. देखो महा, मैं अपने बलबूते पर कुछ बनना चाहता हूँ. जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ. हर गुजरने वाला नाकाम दिन तुमसे मिलने के बाद मुझमें एक नई सुबह की उम्मीद जगा देता है. अगर तुम मेरा यकीन करो तो. तो शायद मियां फिर क्या सोचा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं अंकल. तुम नौजवान क्या सोचते हो क्या चाहते हो कुछ पता नहीं चलता. मियां साहबजादे, मैं पूछ रहा हूँ कि शादी भी करोगे या जिंदगी भर कमारे रहोगे? मैंने तो इनकार नहीं किया अंकल. वैसे भी मम्मी और पापा के बिछड़ने के बाद आप ही मेरे बड़े हैं, मेरा सब कुछ है. आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा. शाबाश, जीते रहो. अंकल महा नजर नहीं आ रही. अरे भाई वही एज यूजुअल शॉपिंग. अस्सलामुअलैकुम पापा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम. अरे शाहिद तुम कब आए? मैं बस अभी भी आया हूँ. अच्छा भाई तुम दोनों बैठो बातें करो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है. और हाँ तुम खाना खाए बगैर नहीं जाओगे, ठीक है? अच्छी तरह खिलाना इसे. अच्छा महा, मेरा ख्याल है कि डिनर कहीं बाहर चल के करते थे. सॉरी शाहिद, मैं एक्चुअली अभी अपनी फ्रेंड के साथ डिनर करके आई हूँ. तुम बैठो, मैं मुराद बाबा से कह के तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ. हरचंद की ये इंसल्ट है मेरी, बट नो प्रॉब्लम. अंकल की करोड़ों की जायदाद और तुम्हें हासिल करने के लिए शायद सब कुछ बर्दाश्त करेगा. सब कुछ. तुमने सुना नहीं, वो जिसने की शर्म उसके फूटे करम. तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलते बनो. अरे कैसी छोटी बातें कर रहा है तुम्हें? सारी बस्ती में तेरी मैं मिसालें देता फिरता हूँ कि हमारे यार को देखो, दुनिया में तन तना रहने के बावजूद भी आला तालीम याफ्ता है.